उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम से जुड़े मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए लखनऊ में पुलिस लाइन में 2 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप का उद्घाटन एडीजी लखनऊ जोन के नेतृत्व में किया गया। साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप की 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ के संगोष्ठी सदन में किया गया। ये कार्यशाला 13 और 14 जुलाई तक चलेगी। वर्कशॉप में अनुज अग्रवाल, चेयरमैन कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर द्वारा साइबर लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। वर्कशॉप में SSP लखनऊ समेत शहर के अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में लखनऊ पुलिस को तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही उन अनसुलझे केसों के बारे में भी चर्चा की जाएगी जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यशाला में जिन बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी उससे हमारी साइबर टीम को और भी मजबूती मिलने के साथ साथ हमारे विवेचकों को भी सहायता मिलेगी। आज ये जो बैठक की जा रही है, क्या है इस बैठक करने में? ये एक साइबर सिक्योरिटी पे वर्कशॉप है जो 13 और 14 तारीख को अभी यहाँ पर कराई जा रही है। इसका उद्घाटन ADG महोदय द्वारा किया गया है। इसमें गेस्टेड ऑफिसर्स और नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और जितने भी इस जनपद के भी जो क्राइम ब्रांच के जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनको भी इसमें बुलाया गया है। इसमें हमारे एक बहुत ही रिनाउंड गेस्ट फैकल्टी आए हैं, श्री अनुज अग्रवाल। तो ये अपने जो इनके साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी पहलू हैं इससे सबको वाकिफ करवाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।